और अब बात करेंगे आज दिल्ली में जो आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को दो टूक संदेश दे दिया। ये कहा कि भाई दोनों तरफ से भरोसे की जरूरत है, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम आप पर भरोसा करके आगे बढ़ रहे हैं और बार बार आप हमारे पीठ पर छुरा घोंपे। तो रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने सीमा पर दुश्मनों को मजबूती से जवाब दिया है और जिस तरह से हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो जवान हैं, उन्होंने लोहा लिया है, हमें उस पर गर्व है। देश की सेना की कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री ने बहादुर सूरमाओं को सलाम किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि मौजूदा सुरक्षा हालातों में भारतीय सेना ने जिस तरह से पहल की उस पर हमें गर्व है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर हर चुनौती से निपटने को तैयार हैं। रक्षा मंत्री ने चीन से जारी बातचीत के बीच उसकी मंशा को लेकर भी आगाह किया। रक्षा मंत्री ने दो टूक कहा कि चीन की नीयत संदिग्ध होने की वजह से भरोसे की कमी है और हम हर चुनौती से लड़ने को तैयार हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद से लेकर घुसपैठ के खतरे से निपटने तक सेना ने हर मोर्चे पर डटकर काम किया। राजनाथ सिंह ने सैन्य कमांडर से कहा कि हम सेना की हर जरूरत पूरा करने को तैयार हैं। चार दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में कॉलेजियट सिस्टम के जरिए सेना के सभी मुद्दों पर नीति तैयार करने पर आपसी चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान का ऐप। पांच भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर करिए क्लिक और देश और दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।